हेलो गाइस वेलकम बैक टू ऑटोमोटिव एस्पेक्ट्स मैं आपका फ्रेंड किशन मिश्रा और आज मैं लेके आ गया आपके लिए किया सोनेट एस टी एक्स और एडिशन पेट्रोल में जो कि एक लिमिटेड एडिशन है तो थ्री तो सिलेंडर कि प्रोड्यूस करता है पावर और वन सेवन टू का टॉक जो कि इस गाड़ी के हिसाब से अच्छा बात कर लेते क्या क्या मिल जाता है इस गाड़ी में। तो यहां पे आपको एलईडी में डीआरएल मिल जाता है एलईडी में आपको के भी ऊपर मिल जाते हैं नीचे आपको फॉगलाइट इस गाड़ी में हेलोजन में मिलता है क्योंकि एस मॉडल है इसमें नीचे मिलता है इधर की बात कर लेते तो आप देख सकते हैं पहले तो आपको दिखा दूँ गाड़ी फ्रंट से कैसी लगती है तो कुछ ऐसी लगती है फ्रंट से गाड़ी काफी मस्कुलर लगती है एक कॉम्पैक्ट एस्यू होने के बाद भी इधर से आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे आपको पूरा ग्रिल पियानो ब्लैक फिनिश में जो मिलता था उसमें अब आपको ऑरेंज इंसर्ट्स मिल जाता है इस लिमिटेड एडिशन में नीचे आपको क्रोम मिल जाता है इसके यहाँ पे बात कर ले तो यहाँ पे आपको ऑर्क्स एडिशन की बैजिंग मिल जाती है क्योंकि ये लिमिटेड एडिशन है ये किया की तरफ से निकाला गया पेट्रोल डीजल दोनों में आता है ये पेट्रोल वेरिएंट है ऊपर की बात कर ले एलईडी का सेटअप वैसे सेम और नीचे आपको हेलोजन का फॉगलाइट मिल जाता है नीचे आपको स्किट प्लेट सिल्वर की गार्निशिंग में मिलता है साथ ही साथ यहाँ पे भी आपको ऑरेंज के इंसर्ट्स मिल जाते हैं जो ऑरक्स एडिशन का है फ्रंट से काफी अच्छी लगती है गाड़ी काफी मस्कुलर लग रही है पहले वाले सोनेट से थोड़े मोड़े चेंजेस किए गए जिसकी वजह से थोड़ा ब्रॉड लग रहा है साइड से देख सकते हैं कुछ ऐसी लगती है गाड़ी बहुत ही सुंदर लगती है साइड से भी नीचे की बात करें तो आपको सिक्सटीन इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो कि जी टी लाइन वाले व्हील्स हैं अब आपको एस मॉडल में मिल जाता है इस वाले एडिशन में जो कि पहले जी टी लाइन में सिर्फ आता था पर अब एस टी एक्स में भी आपको ये सब चीजें दे दी गई है जो कि काफी अच्छी चीज़ है इधर दिखा दूँ आपको ऑरेंज के इंसर्ट्स इधर भी आपको अलॉय व्हील्स पर भी मिल जाते हैं जो कि ऑक्स एडिशन में यही सब चीजें चेंज किया गया है साइड से काफी अच्छी लगती है इधर की बात करें तो यहाँ पे आपको आई की बैजिंग मिल जाती है क्योंकि पेट्रोल में आई एम ट्रांसमिशन में है यहाँ आपको बॉडी कलर ओवरवेम मिलता है जिसमें आपको इंडिकेटर मिल जाता है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ओवरवे मिल जाता है आपको बट इसमें कोई भी 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता क्योंकि एस मॉडल पर बेस्ड है इधर से एक बार आपको फिर से दिखा दूँ गाड़ी कैसी लगती है तो पूरी आपको साइड से कुछ ऐसी लगती है गाड़ी काफी ब्यूटीफुल लगती है इधर नीचे आपको क्लाइडिंग पे भी अब ऑरेंज का इंसर्ट्स मिल जाता है साथ ही साथ सिल्वर की गार्निशिंग मिल जाती है जो कि काफी अच्छा लग रहा है और यहाँ पे आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं क्रोम की गार्निशिंग में साथ ही साथ कीलेस एंट्री का ऑप्शन इस गाड़ी में आपको मिल जाता है एक बार फिर से दिखा यहां पे आपको सारे डोर हैंडल्स आपको क्रोम में मिलते हैं आप देख सकते हैं और बट एक चीज में देखा गया कि एस में जो पहले आपको क्रोम के गार्डनीसिंग विंडो में मिलता था अब हटा दिया गया है बैक की बात कर लेते हैं आपको बैक से दिखा दूं क्या के मिलता तो बैक कुछ ऐसा लगता है गाड़ी का काफी अच्छा लगता है बैक भी पीछे आपको एलईडी के टेल लैम्प्स मिल जाते हैं जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है मेरे पास सेल्टॉस है बट मुझे सोनेट का टेल लैम्पस जो है पीछे वाला सेल्टॉस से काफ़ी अच्छा लगता है कनेक्टेड टेल लैम्स आपको पीछे भी मिल जाते हैं यहाँ की बात करें तो आपको किया की बैजिंग मिल जाती है और ये पूरा कनेक्टेड आपको मिलता है जो कि रात में काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर आपको सोनेट की बैजिंग मिल जाती है जो कि अभी चेंज कर दिया गया है पहले क्रोम में आता था, था।, था थोड़ा सिल्वर की गार्निशिंग में मिलता है जैसे किया की बैजिंग मिलती है वैसे आपको मिलता है और नीचे आपको टू टी जी डी आई की बैजिंग मिल जाती है स्किट प्लेट आपको पूरा सिल्वर में मिलता है साथ ही साथ ऑरेंज के इनसेट्स आपको पीछे स्किट प्लेट में मिल जाता है जो कि ऑरक्स एडिशन का चेंज किया गया है नीचे की बात करें तो आपको नंबर प्लेट लाइट इसमें एल में मिल जाता है जो कि पहले भी आता था ये सारी चीज़ें डिफरेंस नहीं है बट इसमें थोड़ा जो ऑरेंज का एलिमेंट्स यूज किया गया है वही और नया चीज़ है चलते हैं फटाफट से बूट में आपको बूट ओपन करके दिखाता हूँ कैसा बूट इस गाड़ी में मिल जाता है तो कुछ ऐसा आपको बूट मिलता है इसमें 392 लीटर का आपको बूट स्पेस मिल जाता है इस गाड़ी के हिसाब से काफी अच्छा बूट स्पेस है जो कि आप देख सकते हैं काफी अच्छा स्पेस मिलता है इधर की बात कर लें आपको हेलोजन में बूट लैम्प मिल जाते हैं इस गाड़ी में और राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ सामान वामान टांगने के लिए कुछ जगह मिल जाता है यहाँ पे टांगने के लिए इधर की बात कर ले टूल किट मिल जाता है आपको इस गाड़ी में साथ साथ नीचे की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको स्टेपनी व्हील नीचे मिलता है इसके और बात कर लें साइज़ की स्टेपनी नहीं की तो इसमें आपको साइज़ मिल जाता मिल जाता है आर फिफ्टीन जो कि एक साइज़ छोटा है अलॉय व्हील से आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं आर सिक्सटीन के और आपको ये स्टेपनी मिलती है आर फिफ्टीन की यहाँ थोड़ी कॉस्ट कटिंग की जाती है कंपनी की तरफ से पार्शल ट्रे की बात करें तो आपको दिखा दो पार्सल ट्रे कुछ ऐसा मिल जाता है उससे पहले आपको हटा देते हैं ये आपको ढंग से दिखा दो कि कैसा है इस गाड़ी में पार्सल ट्रे और क्या साइज़ है आपको तब पता चलेगा तो कुछ ऐसी साइज़ है पार्सल ट्रे की ठीक ठाक है अच्छा है क्वालिटी वाइज़ काफ़ी अच्छी है फिट एंड फिनिश हर चीज़ गाड़ी में बहुत अच्छी है और

नीचे आपको ये वाला पार्ट बस सॉफ्ट टच मिलता है जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है स्टिचेस भी काफी अच्छे हैं इन सब चीजों में किया को बोलने की जरूरत नहीं है ये सब चीज़ें बेस्ट रहती है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल आपको ओरबीएम में जाते हैं आप देख सकते हैं फोल्डेबल आपको इलेक्ट्रिकली मिलता है एडजस्टेबल भी यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक बटन मिल जाता है चारों पावर विंडो मिल जाते हैं जिसमें आपको ड्राइवर साइड वाला वन टच मिल जाता है बाकी सब आपको ऐसे ही मिलता है चाय लॉक बटन यहाँ कुछ स्पेस रखने के लिए मिल जाता है नीचे की बात कर लें तो नीचे आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है जिसका स्पेस अच्छा है यहां पे आपको स्पीकर मिल जाता है पर इसमें बोस के स्पीकर नहीं मिलते है. इसके ऊपर वाले मॉडल से एस प्लस से आपको बोट बोस के स्पीर्स मिलना शुरू होते हैं इंटीरियर देख देखते कुछ ऐसा लगता है डुअल टोन सीट की बात कर लें तो आपको पूरा वो भी आपको हाफ फैब्रिक और हाफ लेदर में मिलता है ये वाला फैब्रिक और ये वाला पार्ट आपको लेदर में मिलता है इधर भी आपको थोड़े स्टिचेस मिल जाते हैं आप देख सकते हैं जो कि ठीक ठाक है क्वालिटी के वाइज काफी अच्छी है हर चीज इस गाड़ी में मैनुअली एडजस्टेबल सीट्स मिलते हैं इसमें आपको कोई इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं मिलता है चलते हैं फटाफट से इंटीरियर में बैठता हूँ आपको बताता हूँ क्या क्या मिल जाता है इस गाड़ी में तो बैठ के बात कर लेते हैं आपको पूरा इंटीरियर के जो जो मिल जाता है फटाक से इसको कर लेते हैं बंद तो मैं इसके इंटर में फटाफट से आपको दिखा दू एक बार ड्राइवर साइड पे बैठ के आपको कैसा व्यू मिलेगा इस गाड़ी में तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा व्यू मिलता है पूरा डुअल टोन में आपको इस गाड़ी में इंटीरियर मिल जाता है काफी अच्छा इंटीरियर मिलता है इस गाड़ी में नो no डाउट बात करें स्टेयरिंग की तो स्टेयरिंग आपको बहुत ही अच्छी मिल जाती है लेदर के स्टीचेज मिल जाते हैं काफी अच्छे स्टीचेज मिलते हैं स्टीचे की क्वालिटी काफी अच्छी वही सेम सेल्टोस वाला आपको स्टेयरिंग इस गाड़ी में भी मिलता है फटाफट से इसको कर लेते हैं स्टार्ट तो आपको यहाँ दिखा दो यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट बटन मिल जाता है क्योंकि एच टी एक्स तो यहाँ पे आपको ये सब चीजें मिल जाती है एक तरह से ऐसा विंडो जिसमें आपको टॉप मॉडल वाला हर चीज मिल जाता है यहाँ पे आपको मिल जाता है और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिल जाता है और यहाँ पे आपको ऑटो इंजन स्टार्ट ऑफ और यहाँ पे आपको हेडलाइट का एडजस्टमेंट कंट्रोल करने के लिए आपको फटाफट से इधर दिखा दूँ एम की बात कर लें तो एम आपको कुछ ऐसा मिल जाता है इस गाड़ी में यहाँ पे नया ये है एनिवर्सरी एडिशन में कि यहाँ अब आप आपको फोर इंच का डिस्प्ले मिल जाता है और टीपीएमएस एंड ऑल सब कुछ इस गाड़ी में मिल जाता है यहाँ पे आपको मिल जाता है आरपीएम मीटर डिजिटल में आपको स्पीडोमीटर मिलता है और आ, फ्यूल का टैंक का कैपेसिटी दिखाने का और इंजन के आ, उसका टेम्परेचर का दिखाने का यहाँ पे आपको मिलता है इधर आपको इस गाड़ी में आपको एम में सब कुछ टीपीएम एस एन ऑल सारे फीचर्स मिल जाते हैं क्रूज कंट्रोल एंड ऑल यहाँ पे आपको स्टेयरिंग की बात कर लें तो यहाँ पे आपको स्टेयरिंग दिखा दूंगा एक बार ढंग से तो वही सेल्टॉस सेल्टॉस वाला स्टेयरिंग आपको इस गाड़ी में मिलता है यहाँ पे आपको सारे स्टेयरिंग कंट्रोल्स मिल जाते हैं वही सेम जैसे है टेलीफोनिक कंट्रोल्स मोड एंड ऑल यहाँ पे वॉइस कमांड करने के लिए यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल एंड ऑल के फीचर मिल जाते हैं ओके कैंसिल और सेलेक्ट बटन ये सब करने के लिए यहाँ पे आपको किया की बैजिंग के साथ हॉर्न मिल जाता है और यहाँ पे आपको हल्का सा सिल्वर की गार्निशिंग मिल जाती है जैसे मिलता है हर हर साइड किया की गाड़ी में और यहाँ पे आपको मिल जाती है सोनेट की बैजिंग इधर की बात करें तो यहाँ पे आपको 8 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाता है जिसमें आपको एंड्रॉयड और एप्पल का वायरलेस ही कनेक्ट हो जाता है यहाँ पे आपको सारा मास्टर कंट्रोल मिल जाता है इसका इन्फोटेनमेंट स्क्रीन का नीचे की यहाँ बात कर ले तो यहाँ पे आपको हजार लाइट का मिल जाता है और यहाँ पे आपको पूरा एसी यूनिट मिल जाता है जिसमें आप इसमें आपको ऑटोमेटिकली क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल जाता है ऑफ कर लेते हैं इसको तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल जाता है यहाँ पे सारे आपको डिफॉगर एंड ऑल के ये आपको फैन की स्पीड ज्यादा कम करने के लिए मिल जाता है ये टेम्परेचर ज्यादा कम करने के लिए मिल जाता है एसी वेंट्स की बात कर ले तो आपको एक दो तीन और चार चार ए सीट्स इस गाड़ी में मिल जाते हैं साथ ही साथ आपको एक बार दिखा दो तो यहाँ पे आपको एसी इवेंट्स में भी इवन आपको सिल्वर की गार्निशिंग मिल जाती है चारों ए सी में आपको मिलते हैं आप देख सकते हैं ये चीज चारों यहाँ पे भी चारों इवेंट्स में आपको पूरा सिल्वर की गार्निशिंग मिल जाती है यहाँ पे आपको पूरा पियानो ब्लैक फिनिश का टच मिल जाता है इसके इसमें जो कि काफी अच्छा लगता है इवन ये वाला पार्ट भी आप जो देख रहे हैं ये वाला पार्ट भी आपको पूरा पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है जो कि अभी इसको हटाया जाएगा तो आपको दिखेगा जो जिसको डिलीवरी होगी उनको पता चलेगा तो काफी क्लासी इंटीरियर मिलता है इस गाड़ी में नो डाउट यहाँ की बात कर ले तो काफी ज्यादा हार्ड प्लास्टिक है इसमें उतना ज्यादा लेदर का यूज नहीं है इवन ये वाला पार्ट भी पूरा हार्ड प्लास्टिक में है आपको ग्लव बॉक्स दिखा दो फटाक से तो ग्लव बॉक्स की स्पेस काफी अच्छी मिलती है नो डाउट काफी अच्छा स्पेस है गाड़ी के साइज के हिसाब से कोई इशू नहीं है इधर आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ट्वेल्व वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे आपको एक टाइप ए चार्जर मिल जाता है यूएसबी में और ये आपको एक टाइप ए फास्ट चार्जर मिल जाता है यहाँ पे यहाँ पे आपको स्पेस रखने के मिल जाता है इसमें आपको कोई भी वायरलेस चार्जर नहीं मिलता ना इधर ना इधर यहाँ पे आपको कोई भी वायरलेस चार्जर का ऑप्शन नहीं मिलता और ये गाड़ी आई में है तो आपको दिखा दूँ नीचे आपको यहाँ पे कोई भी क्लच नहीं मिलता एक बार आपको दिखा दूँ ढंग से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सिर्फ़ एक ब्रेक्स और एक्सेलेटर मिलता है और यहाँ पे एक डेड पैडल मिल जाता है तो यहाँ पर कोई भी क्लच नहीं मिलता तो इसमें आपको बस गियर शिफ्ट करना है कोई भी आपको क्लच की नीड नहीं है आईएमटी ट्रांसमिशन है ये तो यहाँ पे आपको सिक्स स्पीड आईएमटी ट्रांसमिशन का गियर बॉक्स मिल जाता है और साथ ही साथ यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पूरा सिल्वर की गार्निशिंग मिल जाती है आपको और यहाँ पे आपको लेदर मिल जाता है गियर बॉक्स के पास में इधर आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं जिनका साइज काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे आपको हैंडवेड मिल जाता है जैसे पहले की तरह ही इन सब चीज़ों में कोई डिफरेंस नहीं किया गया डिफरेंस किया गया है तो बाहर से किया गया है जो मोस्टली डिफरेंस किया गया और नई चीज़ यह है कि यहाँ पे आपको फोर इंच का डिस्प्ले मिल जाता है ये एनिवर्सरी एडिशन में थोड़ा नया ऐड किया गया है यहाँ की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है आमरेस्ट जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है लेदर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है नो डाउट क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी चीजें हैं यहाँ पे आप स्पेस आपको ठीक ठाक मिल जाता है आप अपना सामान वामान रख सकते हैं इसमें कोई भी आपको इशू नहीं आएगा बात कर लें सीट्स की तो इधर साइड भी आपको सेम वही सीट मिलते हैं और कोई भी आपको इसमें वेंटिलेटेड सीट्स एंड ऑल इस गाड़ी में आपको ऑप्शन नहीं मिलता है वहाँ पे भी ना आपको डोर पे पूरा सॉफ्ट टच मिल जाता है जैसे इधर मिलता है वैसे ही आपको उधर साइड भी डोर डोर पे मिलता है यहाँ पे आपको वही सेम सीट्स मिलते हैं ब्लैक वाइट कॉम्बिनेशन में बात कर लें यहाँ की तो यहाँ पे आपको दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट फ्रंट में मिल जाते हैं इस गाड़ी में और इधर चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको आपको मैनुअल आई मिल जाता है डे नाइट इधर की बात कर लें तो आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है इस गाड़ी में और यहाँ पे आपको हेलोजन में लैम्प्स मिलते हैं इसमें आप में इस एच टी एक्स मॉडल में भी आपको इसमें एलईडी में नहीं मिलते हैं तो इसमें आपको हेलोजन में मिलते हैं बट ये सब चीज़ें आप आफ्टर मार्केट चेंज करा सकते हैं बट ठीक है लाइट्स की क्वालिटी ठीक है यहाँ पर बात कर लें तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाता है आपको पूरा ओपन करके दिखा देता हूँ कितना ओपन होता है तो आपको दिखा दूँ ये पूरा ओपन हो जाता है तो आपको सन कुछ ऐसा मिलता है इस गाड़ी का फटाक से इसको कर लेते हैं बंद तो आपको इलेक्ट्रिक सन मिल जाता है आपका बंद और ओपन खुद से हो जाता है कर्टन्स की बात कर लें तो कर्टन्स आपको मैनअली खुद से बंद करना पड़ेगा पहले की तरह ही तो इन सब चीज़ों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कर्टन्स की क्वालिटी की बात कर लें तो काफ़ी थिक है तो इसमें आपको कभी धूप जल्दी सुबह मतलब ज़्यादा जब धूप होगा तो आप अंदर आएगा नहीं ज़्यादा तो उसका कभी प्रॉब्लम नहीं होगा इस गाड़ी में इधर की सनवाइजर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको वही टिकट होल्डर मिल जाता है सेम पहले की तरह ही और यहाँ पे देखते हैं अभी लाइट आया कि नहीं तो लाइट अभी भी नहीं मिलता है इसमें बस आपको एक वैनिटी मिरर मिल जाता है इसमें इधर की बात कर लेते हैं अब तो स्पेस की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी हाइट फाइव सिक्स है तो काफी अच्छा स्पेस है गाड़ी में न, न, मतलब अंडर थाई सपोर्ट की बात कर करें ले, चाहे लेग स्पेस की बात कर लें कोई भी ज़्यादा इशू नहीं है इस गाड़ी में इन सब चीज़ों की तो स्पेस के मामले में कोई भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं लगा फ्रंट में तो काफ़ी कंफर्ट है मेरे बैठने के बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हो तो यहाँ पे भी जो बंदा बैठेगा उसके लिए भी काफ़ी स्पेस है स्पेशियस है गाड़ी नो डाउट काफी अच्छी गाड़ी है फटाफट फटाफट चलते हैं पीछे पीछे से आपको बताता हूँ आप गाड़ी में कैसा क्या क्या मिलता है और आपको पीछे से व्यू दिखा देता हूँ कि आपको इंटरव्यू में कैसा व्यू आएगा पीछे से बैठने के बाद ऐसा अगर मैं पीछे पीछे देख से देख सकते कुछ ऐसा इंटीरियर गाड़ी मिल जाता है काफी क्लासिक इंटीरियर मिलता है नो no डाउट किया कि गाड़ियों में आपको ऊपर आपको छोटा सा सनरूफ मिल जाता है आगे दो एडजस्टेबल हेड्रेस जो मैं आपको बता चुका हूं इंटीरियर वाइज तो काफी अच्छा व्यू मिलता है किया की गाड़ियों में नो डाउट एक्सटीरियर या इंटीरियर इन इन गाड़ियों की बहुत बेस्ट रहती है अब चलते हैं फटाफट वड़ से इधर आपको दिखा दूं क्या क्या मिल जाता है तो यहाँ पे आपको आमरेस्ट के पीछे यहाँ पे आपको दो एस इवेंट्स मिल जाते हैं जिसमें आपको सिल्वर की गार्निशिंग इधर भी मिल जाता है यहाँ पे आपको बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको टाइप ए फास्ट चार्जर मिल जाता है पीछे भी पीछे वालों को चार्ज करने के लिए जो कि काफ़ी अच्छी चीज है यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है रखने के लिए कुछ सामान वामान या फिर अपना फोन भी अपना चार्ज पे लगा के यहाँ पे रख सकते हैं आप बात कर ले हम की पीछे की तो पीछे का हम ज़्यादा ऊंचा नहीं है एक परफेक्ट साइज का है जिसकी वजह से बीच में बैठने वाले को भी ज़्यादा इशू नहीं होगा गाड़ी के अंदर जो कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे आ जाते हैं बैठ के स्पेस का पीछे का आपको बता दूं तो आप देख सकते हैं मेरी हाइट फाइव सिक्स है आपको बता चुका हूं जैसा तो आप देख सकते हैं मेरे हिसाब से काफी अच्छा स्पेस बच जाता है इस गाड़ी में सिक्स फुट वाला बंदा भी काफी आराम से बैठ सकता है कोई इशू नहीं होगा उनको तो काफी अच्छा स्पेस है अंडर थाई सपोर्ट भी काफी अच्छा है लेगरूम भी काफी अच्छा है नी रूम भी काफी अच्छा है सब कुछ मतलब स्पेस के मामले में चाहे आगे की बात करें चाहे पीछे की कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं है और हेडरूम की बात कर ले तो हेडरूम भी काफ़ी अच्छा है गाड़ी का हेडरूम और आ, मतलब स्पेस के मामले में कंफर्ट के मामले में गाड़ी में कोई भी इशू नहीं है सीट की क्वालिटी की बात कर ले तो क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं गाड़ी में चाहे फ्रंट की बात करें चाहे बैक की हर तरफ से अच्छा मिलता है कोई भी इशू नहीं है इन सब चीज़ों की बात कर लें इधर तो यहाँ पे आपको मिल जाता है सन ब्लाइंड इस गाड़ी में पीछे वाले दोनों आपको डोर्स पे मिल जाता है सन ब्लाइंड आप देख सकते हैं पहले की तरह इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पे आपको ये वाला पार्ट भी हार्ड प्लास्टिक में मिलता है यहाँ पे आपको सिल्वर गार्निशिंग मिल जाती है हल्की सी सॉफ्ट टच आपको यहीं पर ये वाला ही पार्ट आपको सॉफ्ट टच बस इस गाड़ी में मिलता है और डुअल टोन का इंटीरियर आपको यहाँ पीछे भी मिल जाता है सीट्स आपको पीछे भी वाइट ब्लैक कॉम्बिनेशन मिल जाता है और सीट्स के पीछे बात कर लें तो आपको एक दो और तीन तीन एडजस्टेबल हेड्रेस पीछे भी आपको मिल जाता है बट एक नेगेटिव लगा मुझे कि यहाँ पे आपको कोई भी आमरेस नहीं मिलता जो कि देना चाहिए था एस टी एक्स मॉडल तो इसमें ये सब चीजें होना ही चाहिए एक नेगेटिव ये लगा मुझे कि अब इसमें आमरेस्ट नहीं मिलता आपको थ्री पिन सीट बेल्ट आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं अब फटाफट चलते हैं आगे प्राइसिंग एंड ऑल की बात कर लेते हैं बैस य था किया सोनेट एस टी एक्स एनिवर्सरी एडिशन का रिव्यू मेरे साइड से जो कि मुझे काफी अच्छा लगा बात कर लेते हैं प्राइसिंग की तो ये गाड़ी आपको एक्स शोरूम मिल जाती है लखनऊ में इलेवन पॉइंट एट फाइव लैक्स की और आपको ऑन रोड मिल जाती है अप्रॉक्स फोर्टीन लैक्स ,00 की फोर्टीन पॉइंट एट लाख की मिलती है बट आपको फोर्टीन लैक में बोलता हूँ फोर्टीन लैक्स में आपको काफी अच्छी गाड़ी मिल जाती है बहुत सारे मेजर चेंजेस नहीं है बट आपको थोड़े थोड़े से चेंजेस मिल जाते हैं जो एनिवर्सरी एडिशन का बात कर ले मॉडल का तो एस मॉडल विथ आई ट्रांसमिशन मिल जाता है आपको चौदह लाख ,00 के प्राइजे में आपको बाहर से बहुत ही अच्छा लुक्स हेड लैम्प्स आपको सारे टॉप मॉडल वाले मिल जाते हैं टेल लैम्स से मिल जाते हैं इवन इंटीरियर भी आपको बहुत क्लासी स्पेस में कोई इशू नहीं है हर चीज़ आपको बहुत अच्छा मिल जाता तो मेरे हिसाब से काफी अच्छी लगी मुझे गाड़ी गाइस आप बताएगा कमेंट सेक्शन में आपको कैसी लगी गाड़ी और वीडियो अच्छा लगा हुआ तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल टल टेक केयर बाय